Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Ghaskarni and you are watching my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. And today we are going to learn the Gestalt Psychology and it is our fourth video of School of Psychology. और आज हम Gestalt Psychology के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. So जी Gestalt Psychology started by German. Developed as a reaction to structuralism in the early 90s. अब जी सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था वो स्ट्रक्चरलिज्म था. उसके बाद फंक्शनलिज्म आया. और आपको पता होना चाहिए कि विल्हेम वुड्स की जो एक लैब थी जो लैपजिंग के अंदर उन्होंने बनाई थी वहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते थे और साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे के अंदर स्टडी करते थे. वहाँ से काफ़ी साइकोलॉजिस्ट निकले जिन्होंने फिर अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट बनाए. पर जो बुनियाद थी वो ही थी. अब उसी के रिएक्शन के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन के अंदर जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई. अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को डिफाइन कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के अंदर करते क्या है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इनटू एलिमेंट्स एंड फोकसिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है और सारी चीजों को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टडी किया जाता है. ये है जी स्ट्रक्चरलिज्म. पर जो आपके पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो कुछ इस तरह की है. ठीक है, मैं इस तरह बना देता हूँ. ये थोड़ा सा फर्क है. अब हम जो है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर फंक्शन मतलब अलग अलग पार्ट्स करके स्टडी कर रहे थे. अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो है सारी चीजों का नहीं पता चलेगा. आपको चीजों को स्टडी करना है एज अ होल. अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, ये तो सर्किल है. कहीं पे हमारे पास डॉट डॉट्स हैं और कहीं पे डैश लाइंस हैं. बट अगर आप सिर्फ इस डॉट को स्टडी करने लग जाएंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये असल में है क्या. तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो इस तरह देखती है. ठीक है, वो कहती है कि आपने चीजों को इस तरह देखना है बजाय कि आप चीजों को पार्ट्स के अंदर डिफाइन करके देखें. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है स्ट्रक्चरलिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर. ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये क्या है जी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग एनी फिनोमेनन इन इट्स ओवरऑल फॉर्म. वही जो बात मैंने आपको अभी बताई कि ओवरऑल फॉर्म को स्टडी किया जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर. ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट. तो गेस्टाल्ट का मतलब है कॉन्फिगरेशन. ये आपने अपने दिमाग में बात रखनी है कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या है. गेस्टाल्ट का मतलब है कॉन्फिगरेशन. द होल इज मोर देन सम ऑफ इट पार्ट्स एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट टू. ये जो होल होता है वो सम ऑफ इट्स पार्ट से अलग होता है. फ्रॉम इट्स टू मतलब जो अगर आप पूरी चीज को स्टडी करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट से बिल्कुल अलग होगी. जैसा कि मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैं एक दोबारा सर्किल बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया. ठीक है, अब अगर आप होल को स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में एक अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी और अगर आप पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में एक अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी. तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होल के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है बात करती है. इट प्रमोट्स द स्टडी ऑफ होल बिहेवियर एक्सपीरियंस एंड होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स. मतलब होल बिहेवियर और होल एक्सपीरियंस, मतलब आप किसी भी एक्सपीरियंस को किसी भी बिहेवियर को एक पार्ट के अंदर बिल्कुल एक स्मॉल पार्ट एक स्मॉल बिहेवियर एक स्मॉल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस नहीं कर सकते. आपको अगर पढ़ना है तो आपने पूरी चीज को पढ़ना है और पूरी चीजों के ऊपर फोकस करना है. ह्यूमन एक्टिविटी कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स. ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो आप एलिमेंट्स में नहीं तोड़ सकते. क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर आप तोड़ेंगे तो आप होल चीज को स्टडी नहीं करेंगे. ह्यूमन एक्टिविटी को जो तोड़ा जाता था इनटू एलिमेंट्स के अंदर वो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच थी. बिल्कुल ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था वो चीजों को इस तरह स्टडी करता था. बट साइकोलॉजी जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी उसकी थोड़ी सी चीज अलग है. एनी एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग सेंसेशन परसेप्शन कैन बी स्टडीड एज अ होल. आप थिंकिंग को बिल्कुल थिंकिंग आप बहुत सारी कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर आप सुबह उठते हैं, आपका मूड सही नहीं है,
तो अब आप सिर्फ उस चीज को स्टडी करने लगते हैं कि आपका मूड सही क्यों नहीं है, अब आप वहां पे देख रहे हैं। बट अगर आप ये देखेंगे उससे पहले क्या हुआ था, ठीक है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था रात के टाइम पे, कोई इस तरह की बात हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी और आप सो गए और आपको रात को ख्वाब भी उस तरह के आए और जब आप सुबह उठे तो आपका मूड भी खराब था, तो अब अगर आप ऐसा होल स्टडी करेंगे तो आप एक बिगर पिक्चर और आप बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे बजाय इसके कि सिर्फ आप एक पार्ट के ऊपर फोकस करें। तो ये वाली बात जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी करती है। जो कॉन्सेप्ट है इसका कि जो एवरीथिंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, आइडियाज हो, थिंकिंग हो और प्रोसेसेस हो या ह्यूमन रिलेशनशिप हो, तो ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये आप हर चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्स वर्थमायर वॉज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हु वॉज बॉर्न इन प्रैग इन 1880s, ठीक है जी। तो इसके फाउंडर कौन थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, मैक्स वर्थमायर, जो कि प्रैग के अंदर पैदा हुए थे 1880 के अंदर। ये आपने याद रखने, काफी दफा एमसीक्यूज टेस्ट के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है हर वीडियो के लास्ट में एक एमसीक्यूज का सेट होता है जिससे पता चल सके कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है, आप लोग इन वीडियो से कितना कुछ सीख रहे हैं। तो इन्होंने, मैक्स वर्थमायर ने जो है कहाँ पे पढ़ाई हासिल, कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर की। ही बिकेम अवेयर ऑफ अ फॉर्म ऑफ अपेरेंट मोशन दैट वॉज कॉल्ड फाइव फिनोमिनॉन, ठीक है। असल में ये जो है अपेरेंट मोशन के ऊपर काम कर रहे थे, वहां पे इन्होंने इसको कहा फाइव फिनोमिना। ये स्टार्टिंग के अंदर साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है, आखिर में इनकी जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे तो वहां पे इनका इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर जो है कि आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजी की तरफ आए। आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट देख लें वो उनका स्टार्टिंग से बहुत कम ऐसे साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से ये सोचा हुआ था वी विल बिकम साइकोलॉजिस्ट। वो किसी दूसरी फील्ड को स्टडी करते थे और वहां से आहिस्ता 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 स्टडी करके फिर वो उनका इंटरेस्ट जो है साइकोलॉजी की तरफ आ जाता था और फिर वो वहां पे अपनी जितनी भी जिंदगी और रिसर्च करते हुए गुजारते थे। तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे। अब इन्होंने जो फाइव फिनोमिनन क्या था, अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मैन टू लाइट्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जब दो लाइट्स बिल्कुल करीब करीब जा रही है, ठीक है, टू ईच अदर, फ्लैशिंग अल्टरनेटिवली अपेयर टू बी वन लाइट मूविंग बैक एंड फोर्थ। अब दो लाइट्स हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं। अब यहां पे क्या है, आप कभी इसको बंद करें कभी चलाएं। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप किसी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो रोड के साइड के ऊपर भी लाइट्स लगी हुई होती हैं, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी लाइट लगी हुई होती हैं कि आपको क्या है अटेंशन को क्या किया जाए, ग्रैब किया जाए। तो आपको ऐसे लगता है कि वो जो लाइट्स हैं वो क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। अगर आप ऐसे बल्ब लगा दें और क्या कहते हैं, बल्ब लगाने के बाद फिर आप इनको चला दें, ऑन ऑफ करते जाएं, इसको ऑन करें इसको ऑफ करें, इनको ऑन करें इसको ऑफ करें, इसको ऑन करें इसको ऑफ करें, इस तरह अगर आप चलाते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी लाइट्स क्या हो रही हैं, ऑन ऑफ हो रही हैं, ठीक है। देयरफॉर द होल वाज डिफरेंट फ्रॉम अ सेपरेट पार्ट्स। तो इस तरह से ये कहता है कि देखें आप अगर उसे करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई नहीं ये क्या है, ये तो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं, बट एक दूर से बंदा उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कहेगा कि नहीं ये ऑन ऑफ नहीं, ये तो लाइट जो है ट्रेवल कर रही हैं। तो ये जो चीज है ये बेसिक जो बुनियाद बनी और इसको जो मैक्स वर्थमायर हैं इसे फाइव फिनोमिना कहते हैं। मूवमेंट परसीव्ड वेयर इज इट नेवर अकर्ड, वो हमें लगता है मगर ऐसा होता नहीं है। We tend to organize our experience so that it is simple as possible. हम क्या करते हैं अपने experience को simple तौर पे organize करते हैं ताकि हम चीजों को समझ सकें। तो ये एक example है जिससे जो है gestalt psychology का आगाज हुआ और वो gestalt psychology किस phenomena से start हुई, उसका नाम है five phenomena। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। gestalt law of organization, gestalt law of organization क्या होता है कि इंसान किस तरह अपना एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करता है कुछ रूल्स के हिसाब से ताकि उन चीजों को सिंपलेस्ट वे के अंदर रखा जाए और इंसान जो है उससे चीजें सीख सके। नंबर वन, प्रॉक्सिमिटी, नियरर थिंग्स लुक सिमिलर, जब भी आप चीजों को देखते हैं,
ठीक है, जो बिल्कुल करीब करीब होती हैं, तो आपको क्या होता है वो एक जैसी लगती हैं। जैसे दूर से आप लाइट्स देखें तो आपको दो अलग अलग कलर की लाइट दिखाई जाए, उनमें थोड़ा सा फर्क हो, बट अगर आप जितना डिस्टेंस से देखेंगे आप बोलेंगे ये तो सेम ही लाइट है, बट एक्चुअल के अंदर वो सेम लाइट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नियरर थिंग्स लुक सिमिलर, दूर से चीजें जो हैं अगर आप उनको देखते हैं, जो बिल्कुल करीब करीब वाली चीजें होती हैं, इंसान को एक जैसी लगती हैं। ये इंसान जो है अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है सिंपल वे के अंदर, इसे कहते हैं गैस्ट्रल लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इंसान किस तरह अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। सिमिलैरिटी, वी सी थिंग्स एज वी ऑलरेडी नो, हम वो चीजें देखते हैं जो हमने पहले से देखी हुई हो, हम नई चीज के ऊपर जरा कम फोकस करते हैं, क्योंकि हमें हमारी आदत बनी हुई है कि हमने चीजों को सिंपलेस्ट वे के अंदर स्टडी करना है। गुड कंटिन्यूएशन, चीजों को आप कंटिन्यू रखते हैं, एक दफा आपने एक चीज की, दूसरी दफा दूसरी चीज की, या वही सेम सिचुएशन आपके साथ बाद में हो रही है, तो ये आपकी गुड कंटिन्यूएशन के अंदर वो चीज जाती है और आप इस तरह उसको अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। सी थिंग्स इन कंप्लीट फॉर्म, आप चीजों को जो है कंप्लीट फॉर्म्स के अंदर देखते हैं, और इन लास्ट फिगर एंड ग्राउंड, आप फिगर को भी देखते हैं और ग्राउंड्स को भी देखते हैं। तो इस तरह गैस्ट्रल लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान जो है चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है इन अ सिंपलेस्ट वे। अब जी ये तो हमने सारी बात की गैस्ट्रल साइकोलॉजी की, जिसके फाउंडर थे मैक्स वेथिमर, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि उनकी अप्रोच क्या थी, वो किस तरह साइकोलॉजी को स्टडी करते थे। अब उनके अलावा दूसरे भी कंट्रीब्यूटर्स हैं इसी स्कूल ऑफ थॉट के, और उनका नाम है क्रुट कुफका, रोड इज फेमस बुक, ये भी जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के एक्सपोनेंट हैं, और इन्होंने एक मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1935 के अंदर। ज्योग्राफिकल वर्सेस बिहेवियर एनवायरनमेंट, इनका जो फोकस था वो ज्योग्राफी वर्सेस बिहेवियर एनवायरनमेंट के ऊपर था, कि कोई भी शख्स है ज्योग्राफी के साथ उसका बिहेवियर चेंज होता है। अगर एक शख्स अगर हम जो है अफ्रीका के जंगलों में रहेंगे तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, बट अगर हम जो है वो किसी अर्बन सिटी में या मेट्रोपॉलिटन या न्यूयॉर्क या टोक्यो के अंदर रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं काफी लोग होते हैं जो पाकिस्तान में रह के सुधरते नहीं, बट बाहर जाके जब एनवायरनमेंट मिलता है ज्योग्राफिकल, जब उनका रीजन चेंज होता है तो फिर उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। पीपल्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हाउ दे परसीव द एनवायरनमेंट रादर देन बाय द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये कह रहा है पीपल्स का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह परसीव किया जाता है, मतलब पीपल्स के बिहेवियर के हिसाब से एनवायरनमेंट जो है परसीव किया जाता है, ना कि एक्चुअल के अंदर किस तरह का एनवायरनमेंट है। यू नो देयर इज डेंजर इन द बिल्डिंग, आपको पता है कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर क्या है, डेंजर है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने सामने देखा एक बिल्डिंग है, अब आपको ये लग रहा है कि अंदर जो है जी करंट है, ठीक है, अब अंदर क्या है, करंट है। अब आप जो बिल्डिंग के अंदर इंटर होंगे तो किस तरह इंटर होंगे, बड़े डरते हुए इंटर होंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अजीब हो जाएगा, सही, आप डर डर के अंदर जाएंगे। बट उसी सिचुएशन के अंदर आपको पता हो कि आपके जो दादा जान हैं आपका इंतजार कर रहे हैं और दूर से 10 साल के बाद वो आपसे मिलने आए और वो इस बिल्डिंग के अंदर है, तो फिर जब आप उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर बात हो रही है ना कि पीपल्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड, तो यही पॉइंट है कि भाई आप चीजों को नेचुरल एनवायरनमेंट में वो किस तरह है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप बिहेवियर के हिसाब से आपका जो बिहेवियर है वो उस तरह आप किस तरह बनाते हैं जो आपके दिमाग में चीजें आती हैं, मतलब सोच के हिसाब से आपका बिहेवियर बनता है, ना कि इस तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट पे है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अब आपको पता चले आज अब क्लास में आप जाएंगे तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी और टीचर आपको बुला के आपको फर्स्ट प्राइज देगा, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। अगर आप अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट एबल टू गेट अ गुड स्कोर, सो देन व्हाट इज योर फीलिंग,
तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, फिर आपकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होंगी। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, योर बिहेवियर इज डिफरेंट इन कंट्रास्ट। इफ योर क्लोज फ्रेंड इज इनसाइड दिस बिल्डिंग, योर बिहेवियर इज डिफरेंट। मिसाल के तौर पे कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको पता चले कि आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ है, तो आपका बिहेवियर किस तरह का होगा, आपकी फीलिंग्स किस तरह की होगी। और यहीं पे आपको पता चले कि आपके दोस्त को किसी ने किडनैप किया हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर और आप उससे मिलने जा रहे हैं, तो आप देख लें आपकी जो फीलिंग्स है वो किस तरह चेंज होगी। तो ये बात जो करते हैं, ये इस चीज के ऊपर फोकस दिया है क्रुट कुफ्का ने। अच्छा जी, अब जो और एक्सपोनेंट हैं इसी स्कूल ऑफ थॉट के, वो हैं वुल्फगैंग कोहलर। ये बात करते हैं इनसाइट और ट्रांसपोजिशन की, ठीक है। हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट एंड ट्रांसपोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड के डिपेंसी एंड एक्सपेरिमेंट विद चिकन्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चिपेंजी और चिकन्स के साथ एक्सपीरियंस किया और फिर जो है इन्होंने फोकस दिया इनसाइट और ट्रांसपोजिशन के ऊपर। इन्होंने सिंपल, अगर एग्जाम के अंदर सवाल आता है कि जी कौन से आपके पास गैस्ट्रोल साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने चिपेंजी और चिकन्स के ऊपर ऑब्जर्व किया, तो वो हैं आपके पास वुल्फगैंग कोहलर। अच्छा जी, इनसाइट्स की बात करते हैं। इनसाइट्स है क्या, स्पॉन्टेनियस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिचुएशन। आप एकदम जो है सिचुएशंस की क्या बनाते हैं, कोई भी सिचुएशन को अपने दिमाग में बना लेते हैं, उसे कहते हैं इनसाइट। और ये ट्रांसपोजिशन, जर्नलाइजेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। जब आप किसी चीज का रिस्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि कोई नया शख्स आपको बिस्किट देता है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग और आप वो लेके खा लेते हैं, तो जी आप देखते हैं कि जी अब उसके अंदर कोई नशा था और आप जब उठते हैं तो आपकी जेब में कुछ भी नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने इनसाइट्स हो गई, वो जो सिचुएशंस थी उसके अंदर आपने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट कर लिया दोबारा के नहीं भाई कभी भी कोई कोई चीज देगा तो मैंने लेके नहीं खानी, ठीक है। अब इसी को आप जर्नलाइज करेंगे कि कहीं और जगह पे भी अगर आप अजनबी हैं और कहीं पे भी आपको कोई चीज दी जाती है तो आप कहेंगे नहीं अगर मैंने खा ली तो यही सेम जो सिचुएशंस मेरे साथ हुई थी वो दोबारा ना हो जाए। तो ये है ट्रांसपोजिशन और उसे हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। तो इस चीज के ऊपर फोकस किया था वुल्फगैंग कोहलर ने। अब जी और इसके बाद अदर मेजर कंट्रीब्यूशंस भी हैं गैस्ट्रॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर, गैस्ट्रॉल्ट अप्रोच टू इथिक्स। इथिक्स के ऊपर भी बात की, ट्रुथ इज ट्रुथ देन इट इज कंप्लीट कोरेस्पोंडेंस फुली टू द फैक्ट्स एंड द सिचुएशन। ट्रुथ ट्रुथ होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है और फैक्ट्स और सिचुएशंस के ऊपर आता है। उसके बाद एक मशहूर इफेक्ट है जिसे कहते हैं ज़िगरनिक इफेक्ट। अब ये क्या है, ज़िगरनिक इफेक्ट जो है असल में एक एक्सपेरिमेंट था, वी रिमेंबर इंटरप्टेड टास्क बेटर। अब ये क्या कहता है ज़िगरनिक इफेक्ट, मिसाल के तौर पे कोई काम आपको याद रहता है, ठीक है, या कोई चीज आपको याद रहती है। कौन सी चीज याद रहती है, जो आपको टेंशन में दी जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप मैं क्योंकि टीचर एजुकेशन से हूं तो मैं ज्यादातर अपनी जो इन्वायरमेंट है अपना एक्सपीरियंस है उस तरह की एग्जाम्पल्स देता हूं। आप ये वाली एग्जाम्पल्स कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लास के अंदर जो है अगर एक टीचर है और एक स्टूडेंट जैसे ही क्लास में आता है और बिना इजाजत के क्लास के अंदर आ जाता है तो टीचर क्या करेगा, टीचर को वो स्टूडेंट हमेशा याद रहेगा कि ये बच्चा क्या है, ये बच्चा बिना इजाजत के क्लास में आया था। अब टीचर क्या करता है, टीचर उसको जो है क्लास के अंदर सारी चीजें समझाता है कि बेटा आपने जब भी क्लास में आना है आपने जो है पूछ के आना है। तो ये क्या हुआ, ये इंटरप्टेड टास्क हुआ कि टीचर एक काम कर रहा था और उसके साथ जो है एक इस तरह की सिचुएशन पेश आई। अब टीचर को वो सिचुएशन हमेशा याद रहेगी, जब भी वो स्टूडेंट जो है उस टीचर के सामने आएगा तो टीचर को वो सिचुएशन याद आएगी। काफी दफा ऐसे होता है, आपने ये भी देखा होगा कि टीचर्स को वो स्टूडेंट्स याद रहते हैं जिन्होंने पहली दफा उनको इंटरप्ट किया हो या उनके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन की हो, तो क्योंकि टेंशन के अंदर जो चीजें होती हैं वो हमेशा याद होती हैं। द टेंशन कॉज्ड बाय अनफिनिश्ड टास्क हेल्प अस इन रिमेम्बरिंग। जो टेंशन के अंदर आपसे चीजें कंप्लीट नहीं होती वो आपको हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो ये है ज़िगरनिक इफेक्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ज़िगरनिक इफेक्ट असल में है क्या। अच्छा जी, ग्रुप डायनामिक्स, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन पीपल्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स वी शुड सी देम एज़
होल पर्सन। हमें चीजों के इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें लोगों को एज अ होल देखना चाहिए, जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का बेसिक पर्पस भी है। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज होपफुली आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की काफी नो हाउ हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, और आपको पता है एमसीक्यूज के अंदर हम दो आपके पास स्लाइड्स होती हैं, 10 एमसीक्यूज होते हैं, आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिखने होते हैं, और बाद में फिर आपको पता है कि लास्ट के अंदर जो राइट आंसर्स चीजें शेयर होती हैं, ताकि आपको पता चल सके आप इस वीडियो से कितना कुछ सीख सके हैं। तो चलिए जी, पहला एमसीक्यूज की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। जी आपने अपने राइट ऑप्शंस लिखनी होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। ये जी 5 एमसीक्यूज और हैं, काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। जी तो आपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे, अब आपको इंतजार होगा राइट आंसर कीज का। तो चलिए ये हम शो करते हैं राइट आंसर कीज। राइट आंसर कीज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, काइंडली अपने जवाब चेक कीजिए। आपके जवाब जो है ऑलमोस्ट 7 या 8 आपका स्कोर लाजमी होना चाहिए आउट ऑफ 10। फिर आपने इस वीडियो के काम काम के पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लिए हैं। अगर आपका स्कोर इससे कम है, काइंडली इस वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा इस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर हासिल कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके ये जो 20 से 21 मिनट लगे हैं उसके अंदर आपने कितनी चीजें सीखी हैं। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम। And if you want to enroll my course, then you contact me on my given number. Inshallah, we will meet in our next video. Till that time, Khuda Hafiz.